आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, और ये नंबर हमारा दिया हुआ है 15 इंटू 17 इंटू 19 व्हेन डिवाइडेड बाई 7। तब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो यहाँ जो नंबर है 15 है, उसके बाद ये आपका 17 है और ये हो गया आपका 19। इसको डिवाइड अगर 7 से करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखोगे यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट 7 से 15 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे कितना आया। ठीक है, तो 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, अब 15 से अगर हम 14 को माइनस कर दें तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी इसकी प्लेस में हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक। उसी तरह से 17 और डिवाइड बाई 7 इसको कर लो तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 7 2 जा हो गया 14, यानी रिमाइंडर बोलोगे 3 आ जाएगा, तो इसके प्लेस में हो जाएगा भाई 3। उसके बाद में यहाँ इंटू का साइन है तो यहाँ इंटू देंगे, फिर इसको भी सेम 19/7 करेंगे तो इसके लिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और नीचे फिर अभी भी 7 है, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 3 जा हो गया आपका 15 × 1 15, तो 15/7। अब फिर आप डिवाइड करो तो 7 2 जा 14, यानी 15 − 14 कर दो तो रिमाइंडर कितना आया 1 आ गया ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर, आपसे पूछा है तो रिमाइंडर हो गया भाई 1। ठीक है, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, यहाँ भी आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, एक्सप्रेशन दे दिया हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ भी हम सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, क्लियर है। तो देखोगे यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, ये है 19 × 20 × 21 और डिवाइड बाई 9, तो हम क्या करेंगे सेपरेटली हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 19/9 करेंगे, तो 9 के टेबल में 19 के नियरेस्ट कौन सा आएगा, तो बोलोगे 9 2 जा हो गया भाई 18, यानी 19 − 18 करोगे तो 1 आएगा, यानी इसके लिए रिमाइंडर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद इंटू का साइन दोगे, यहाँ पे सेम इसके लिए हम करेंगे, यानी 20/9 करोगे तो 9 2 जा 18, यानी 20 − 18 करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तो अब ये 21 है, इसको अगर 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, और नीचे हो गया भाई 9। अब यहाँ पे देखोगे अब ये तो छोटा हो गया तो इन तीनों को पहले इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6/9। अब तो ये डिवाइड होने वाला नहीं है, जब डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर फिर आपका यही हो जाएगा, तो ये आपका रिमाइंडर फिर कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, 9 का पावर दे दिया हुआ 99 और डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, याद रखोगे एक्स प्लस ए का पावर अगर एन है और इसको डिवाइड अगर हम करें एक्स से। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दोगे यहाँ जो एक्स है और यहाँ भी एक्स सेम है, यानी यहाँ जो नंबर होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा वो बोल सकते हो यहाँ जो डिजिट होगा भाई यहाँ जो डिजिट होगा वो अगर सेम होता है तो प्लस करने के बाद यहाँ जो कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है ना, तो जो रिमाइंडर होगा इसके लिए जो रिमाइंडर होगा ये हो जाएगा ए का पावर एन डिवाइड बाई एक्स, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है 9 का पावर 99 डिवाइड बाई 8, तो नीचे देखोगे ये क्या है 8 है, तो क्या हम 9 को 8 के में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो हाँ लिख सकते हैं इसको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 + 1 पावर में हो गया 99 और डिवाइड बाई ये हो गया 8। अब देखो इसके जैसा हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर मैंने क्या बताया ए का पावर, यानी ये जो है ना ये इसका पावर जो है वो हो जाएगा और डिवाइड बाई हमारा नीचे जो रहेगा और डिनोमीटर वो आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का पावर हो गया भाई 99 और डिवाइड बाई हो जाएगा 8, यानी ये रिमाइंडर होगा। तो 1 का पावर 99 मीन्स क्या होगा 1 ही होगा और 1/8, अब ये तो डिवाइड होने वाला नहीं है तो फिर रिमाइंडर इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो फिर हो जाएगा 1। ठीक है, 4। यहाँ भी देखोगे सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, यहाँ पे 8 है और यहाँ नीचे देखोगे 7 है, तो इसको हम क्या करेंगे 8 को 7 के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, तो ये हो गया 7+1 पावर में हो गया भाई 99 और डिवाइड बाय हो गया 7, तो इस केस में फिर रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 का पावर हो जाएगा 99 और डिवाइड बाय 7, तो 1 का पावर कुछ भी होगा तो फिर रिमाइंड ये हमारा ऊपर तो 1 ही हो जाएगा और नीचे 7, अब रिमाइंडर फिर क्या हो जाएगा, अब इस केस में फिर रिमाइंडर क्योंकि ये तो डिवाइड होने वाला नहीं है तो ये फिर हो जाएगा रिमाइंडर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ,
और ये एक एक्सप्रेशन दे दिया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ है 11 है, 13 है इंटू 17 है डिवाइड बाई 6, तो डिनोमेटर में क्या है 6 है, तो इसको सेपरेट हम लोग डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो इसको ले लेते हैं 11/6, यानी 6 के टेबल में ये 11 तो आने वाला नहीं है, यानी वन टाइम्स ही जाएगा, तो रिमाइंडर कितना होगा 11-6 करोगे तो 5, यानी इस केस के लिए हो जाएगा 5 इंटू। अब इसके लिए तो देखोगे इसका नियरेस्ट कौन सा आएगा, 6 2 12, यानी 13-12 करोगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में इसके लिए हम करेंगे 17/6, तो 6 2 जा हो गया आपका 12, 17 से 12 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे हो गया 6। तो पहले अब क्या करते हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई, तो ये फिर कितना हो जाएगा 25/6। अब 6 4 जा हो गया 24, यानी 25-24 करोगे तो 1 आएगा, यानी आप बोल सकते हो ऊपर देखो अभी इससे छोटा हो गया ना ये, तो फिर रिमाइंडर फिर क्या हो जाएगा, तो अभी रिमाइंडर जो होगा ये हो जाएगा 1, क्लियर है। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चंस को कैसे करोगे, तो यहाँ देखोगे दिया हुआ है क्या, रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56, इसी तरह से अप टू इनफाइनाइट दिया हुआ ना, और उसके बाद यहाँ डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई, तो देखो इसको सॉल्व करने का ट्रिक ये होता है कि सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे ये जो 56 है ना इसका फैक्टर आपको फाइंड करना, और फैक्टर ऐसा फाइंड करेंगे जिसका डिफरेंस क्या हो 1 हो, ठीक है याद रहेगा। तो हम बोल सकते हैं 7 इंटू अगर 8 करें तो 8 7 जा हो गया 56, और इन दोनों का डिफरेंस भी देखो 1 है ना, क्लियर है। तो अगर ये प्लस में हो तो आंसर फिर क्या होगा 8 होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो गया भाई 8, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड और ये दे दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो अब 8/4 फिर कितना हो जाएगा भाई ये 2 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा फिर 2। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे ही था, यहाँ पे क्या है कि ये रूट अंडर 20 है प्लस 20 रूट अंडर दिख रहा है, यहाँ पे भी अप टू इनफाइनाइट दिया हुआ, तो इन अप टू इनफाइनाइट है, तो क्या करेंगे हम इस 20 का ऐसा फैक्टर फाइंड करेंगे जिसका डिफरेंस क्या हो 1 हो। तो आप बोल सकते हो 4 5 4 5 जा 20, और इन दोनों का डिफरेंस भी देखोगे 1 है, तो अगर प्लस में हो तो आंसर फिर क्या होगा बड़ा वाला, यानी बड़ा क्या दिख रहा है 5 है, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। अगर इस प्लस के जगह माइनस हो तो फिर क्या होगा आंसर, तब आंसर हो जाएगा छोटा वाला, याद रहेगा। अगर इस प्लस के जगह अगर माइनस हो तो फिर आंसर हो जाता फिर क्या होता ये हो जाता फिर 4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3, अब ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 नंबर जैसा ही दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 अप टू इनफाइनाइट दिया हुआ ना, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग वैसे ही फाइंड करेंगे, इसका ऐसा फैक्टर फाइंड करेंगे जिसका डिफरेंस क्या हो 1 हो। तो आप बोल सकते हो 3 को और 4 से इंटू कर दे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस आपको दिख रहा है तो फिर आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा भाई 4। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखोगे अगर यहाँ पे प्लस की जगह अगर ये माइनस होता तो फिर आंसर हो जाता छोटा वाला, तब उसके बाद आंसर हो जाता कितना 3, अगर इस प्लस की जगह क्या होता भाई माइनस होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 अप टू इनफाइनाइट दिया हुआ ना, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सेम क्या करेंगे हम 6 का पहले फैक्टर फाइंड करेंगे, तो वो भी ऐसा फैक्टर फाइंड करेंगे जिसका डिफरेंस क्या हो 1 है, तो 2 3 जा हो गया 6, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है 1 है। तो यहाँ देखोगे सब जगह क्या है भाई प्लस है ना, तो प्लस है तो इसके वजह से फिर आंसर क्या हो जाएगा बड़ा वाला, यानी फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा 3, ठीक है। बट अगर इस प्लस के जगह अगर माइनस होता तब आंसर फिर क्या होता 2 होता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ देखोगे रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 अप टू इनफाइनाइट दिया ना, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, प्रोसेस मेरा वही रहेगा, तो इसको क्या करेंगे हम इस 2 का ऐसा फैक्टर फाइंड करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, है ना। तो 1 को अगर 2 से इंटू कर दे तो ये मिल जाएगा 2, और इन दोनों का डिफरेंस भी देखो 1 है, बट यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस होने के कारण ये आंसर क्या हो जाएगा छोटा वाला, यानी 1 हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस माइनस की जगह अगर प्लस होता तो फिर आप क्या करते, तब आंसर हो जाता फिर बड़ा वाला, यानी 2 हो जाता, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है क्या, इफ
रूट अंडर 4 का पावर n इज इक्वल्स टू 1024। देन आपसे पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा और ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ इसे लिखता हूँ, ये रूट अंडर दे दिया हुआ है 4 का पावर n इज इक्वल्स टू 1024। यहाँ पे बेस देखोगे तो 4 है, तो क्या मैं इसको 4 के पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो हाँ ये कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये कितने का पावर होगा, ये हो गया 4 का पावर कितना होगा भाई, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। 4 को आप 5 टाइम्स इंटू करोगे तो ये मिल जाएगा 1024। तो देखोगे अभी आपको क्या मिला, ये रूट अंडर 4 का पावर n इज इक्वल्स टू 4 का पावर 5। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना रूट अंडर, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, बोथ साइड स्क्वायर करना होगा, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल होकर हो जाएगा 4 का पावर n इज इक्वल्स टू 4 का पावर, अब ये दोनों को इंटू कर लेते हैं तो 5 टू जा हो गया 10। अब दोनों साइड देखोगे बेस हमारा क्या है, सेम है, जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। तो फिर n का वैल्यू फिर क्या मिल गया भाई, ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा n इज इक्वल्स टू 10। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ है इफ x माइनस 1/x का वैल्यू दे दिया हुआ 3, देन आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखोगे ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, और यहाँ पे अगर माइनस है x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू जो भी दिया हो और आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू, तो यहाँ जो नंबर होगा ना उसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। और याद रखोगे यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो गया भाई 9 और प्लस 2 करोगे तो ये हो जाएगा 11। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखोगे, ये तो एक प्रोसेस था, इजी प्रोसेस। अगर चाहो तो आप यहाँ जो गिवन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और माइनस 2a भी होगा, तो ये x है और यहाँ पे 1/x है, कैंसिल होके माइनस 2 होगा और 3 का स्क्वायर 9। अब ये उस साइड जाएगा तो भाई 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, है कि नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर हो गया 3, यहाँ दिया हुआ इफ 2 का पावर x प्लस 4 माइनस 2 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, देन पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते एग्जाम्स में, देखोगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक ये होता है कि यहाँ देखना है कि ये हमारा जो बेस 2 है ना, अब ये 2 का पावर यहाँ x प्लस 4 है और x प्लस 2 है, इसमें छोटा कौन होगा भाई, तो छोटा तो ये होगा, तो इसको हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लेता हूँ 2 का पावर x प्लस 2 ये कॉमन, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा देखोगे, अब 2 का पावर x प्लस 4 था, यहाँ से x प्लस 2 निकल गया तो बचा क्या 2 स्क्वायर बचेगा यहाँ पे और माइनस, अब ये पूरा कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 होगा, इक्वल टू हो गया 3, ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 का पावर x प्लस 2 और ये ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 करोगे 3 इक्वल टू 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल होकर कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 1। तो 1 होगा तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर या वेरिएबल का पावर अगर 0 हो तो 1 ही आता है। तो इससे बेनिफिट क्यों हुआ देखोगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड देखोगे 2 का पावर क्या है x प्लस 2 है ना, और यहाँ पे मैंने लिखा 2 का पावर 0, तो यहाँ बेस 2 था तो इसको भी हम क्या किए बेस को 2 बनाए, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, ये जो 2 है ना ये बेस सेम है तो पावर भी हमारा क्या होगा सेम होगा। सो हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू ये हो गया आपका 0। सो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा भाई, ये प्लस 2 सेट जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है क्या, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज दे दिया हुआ है 21, तो व्हाट आर द नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, तो हम x ले लेते हैं और दूसरा फिर क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, कंसेक्यूटिव मतलब हो गया लगातार, ठीक है। तो इसका स्क्वायर का डिफरेंस बोल रहा है ना, तो स्क्वायर का डिफरेंस यानी बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे, तो ये तो बड़ा है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे और कितना के बराबर दिया हुआ है, ये दे दिया हुआ है 21 के बराबर,
इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले x प्लस वन का होल स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा, 2x होगा प्लस वन होगा, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 21। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 2x। इस प्लस वन को उस साइड ले जाओगे तो माइनस वन होगा, सो 21 माइनस वन करोगे तो ये हो जाएगा 20। सो x का वैल्यू क्या होगा, 20 बाई टू करोगे तो 10 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, यानी पहला नंबर आपको मिल गया 10। और आपसे तो पूछा था कि टू कंजिक्यूटिव नंबर्स, तो पहला 10 है तो दूसरा फिर क्या होगा, 10 प्लस वन यानी 11 होगा, तो 10 एंड 11 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा 10 एंड 11। तो यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ए इज टू बी इक्वल टू दे दिया हुआ है 3:4 एंड बी इज टू सी दे दिया हुआ है 12:13। देन आपसे पूछ रहा है ए इज टू सी क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑयल इंडिया लिमिटेड 2020 के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखोगे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चंस को कैसे करोगे, तो यहाँ ए रेशियो बी है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बाई बी, ये हो गया आपका 3/4। ठीक है, और यहाँ देखोगे बी रेशियो सी, यानी इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो बी बाई सी इक्वल्स टू, अब यहाँ दिया हुआ है 12:13 दिया हुआ है, तो 12/13 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखोगे अब यहाँ पे आपको तीन वेरिएबल नज़र आ रहा है, ए बी और ये हो गया सी, तो इन तीनों में देखो कॉमन कौन सा है, तो यहाँ देखोगे एक बी यहाँ है तो यहाँ है, यानी बी आपका कॉमन हो रहा है, तो आपको क्या करना है बी का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, जैसे अब यहाँ पे देखोगे 4 है ए के लिए 3 है और यहाँ पे बी के लिए 12 है, तो यहाँ पे बी के लिए 12 है और बी के लिए यहाँ पे 4 है, तो ये अलग अलग है ना, तो इसको क्या करेंगे सेम करेंगे। तो सेम कैसे कर सकते हैं, तो देखो अगर हम इसको ऊपर नीचे अगर हम 3 से इंटू कर दें तो 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे बी हमारा 12 है, सेम हो गया ना, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 3 9 और ये हो गया 4 3 12। तो अब b के लिए आपका 12 हो गया यहाँ पे और यहाँ भी हमारा b के लिए 12 है, यानी b हमारा सेम हो गया। अभी आपसे पूछा क्या a रेशियो c, तो a रेशियो c का फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, अब a के लिए हमारा अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला 9, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9 रेशियो। अब c, तो c के लिए हमारा क्या है 13 है, तो आंसर हो जाएगा 9:13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज टू सी इक्वल टू 9:13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ था कि अ बेग मार्ट एट ₹80 इज सोल्ड फॉर ₹68, द रेट ऑफ डिस्काउंट इज, ये भी क्वेश्चन 2020 के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखोगे यहाँ पे हमारा मार्केट प्राइस दे दिया हुआ है ₹80 और उसको सेल कितने में कर रहा है 68 में ना, तो हमारा डिस्काउंट कितने का होगा भाई, डिस्काउंट हो जाएगा मार्केट प्राइस से, सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, यानी 80 - 68 यानी हो जाएगा ₹12 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, बट आपसे पूछा क्या है रेट ऑफ डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, तो डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट को ऊपर रखेंगे और नीचे हो जाएगा मार्केट प्राइस, यानी कितना है 80 और इनटू में क्या करेंगे 100, यही हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये 4 से कैंसिल करते हैं इसको 3 times और ये हो जाएगा 4 2 8 यानी 20, फिर 20 से 100 को कैंसिल करेंगे 5 5 × 3 कर लो, तो ये फिर हो जाएगा 15, यानी 15% हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ था कि फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ था 5 है 7 है 11 है और ये क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ क्या होगा ये आपको फाइंड करना था, यहाँ 17 है और ये हो गया आपका 19। तो नंबर को ध्यान से देखोगे तो 5 7 या 11, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था 13 होना चाहिए था। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारा वो क्या रहा है एक प्राइम नंबर हो रहा है, कंटिन्यू प्राइम नंबर हो रहा है ना, 5 है 7 है 11 है 13 हो गया फिर 17 हो गया फिर ये हो गया आपका 19, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इट्सेल्फ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फिर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ था कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एवरेज फाइंड करना है और भी फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स। तो देखोगे सबसे पहले फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर हम सम देखें तो ये होता है n(n+1)/2, ये होता है भाई सम होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, बट आपसे पूछे अगर एवरेज पूछे तो एवरेज में हम क्या करते हैं, ये हो गया सम और डिवाइड बाई टोटल नंबर, तो टोटल नंबर अगर हमारा n तक हम मैं बोल रहा हूँ तो नीचे भी क्या आएगा n आएगा, तो ये हो जाएगा फिर एवरेज किसका हो जाएगा
फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज, ठीक है। तो एन एन से कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा एन प्लस वन और डिवाइड बाई हो जाएगा टू। तो यहाँ पे देखोगे एन के प्लेस में क्या है, फर्स्ट 150, यानी एन के प्लेस में 150 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन के प्लेस में 150 रखेंगे और ये हो गया आपका प्लस वन और डिवाइड बाई टू, यानी 151 बाई ये हो जाएगा टू। इसको कैंसिल करते हैं तो ये जाएगा 75.5, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये डॉट डॉट आपको इन्फाइनाइट दिया हुआ है और कॉल्ड, ठीक है। तो ये नंबर को देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये सारे नंबर क्या है, 1, 2, 3 अप टू इन्फाइनाइट नेचुरल नंबर ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेचुरल नंबर, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई का भी आया था, यहाँ पे था कि x प्लस 2x इजिकल्स टू 12 है, देन आपसे पूछा गया था कि x का वैल्यू क्या होगा, इजी क्वेश्चन था। तो देखोगे इसको करेंगे कैसे, यहाँ x है और ये प्लस 2x है, यानी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 12, फिर x का वैल्यू फिर क्या होगा 12 बाई 3, इसको कैंसिल करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा 4 times, यानी x का वैल्यू 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे था कि पाई को हम लोग क्या बोलेंगे। तो पाई एक कैसा नंबर है भाई, पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ऑप्शंस में जहाँ इरेशनल नंबर होगा वहाँ आप, अगर ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो तो आप इरेशनल नंबर पे टिक कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ था कि अ सर्कल इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड दे दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी कहने का मतलब है एक स्क्वायर इस तरह का शेप में है कि उसके अंदर एक क्या है भाई, एक सर्कल है इस तरह से, ठीक है। तो इस सर्कल का पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा। तो देखोगे ध्यान से, अब ये अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर दें, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, डायमीटर बोलेंगे ना, किसका हो जाएगा ये डायमीटर, ये आपका हो जाएगा सर्कल का, ठीक है। तो ये डायमीटर किसके बराबर होगा, साइड के बराबर होगा, साइड ऑफ ए स्क्वायर, और साइड ऑफ ए स्क्वायर हमारा दे दिया हुआ है कितना 28 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब डायमीटर हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर। फिर रेडियस हम फाइंड कर लेंगे, डायमीटर का हाफ होगा, सो 28 बाई 2 करोगे तो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, आपसे पूछा क्या है कि एरिया ऑफ ए सर्कल ना, तो एरिया ऑफ ए सर्कल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई मीन्स हो गया 22/7 और आर स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पे 14 है तो इसको दो बार हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, ये गया आपका 2 times, ये हो गया आपका इंटू करेंगे तो ये हो गया 44 इंटू हो गया 14 ना, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था कि व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 0.04, स्क्वायर रूट ऑफ 0.04। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.2 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ना, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आंसर हो जाएगा 0.2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 था कि फाइंड 4 1/2 + 3 1/6 का वैल्यू क्या होगा। तो देखोगे एक इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक अगर डायरेक्ट चाहो तो आप यहाँ आपको होल नंबर आपको दिख रहा है 4 और 3, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं क्योंकि प्लस है, तो 4 + 3 = 7 हो गया, और उसके बाद ब्रैकेट में हम क्या करेंगे 1/2 + 1/6 कर लेंगे, तो ये 7 हो गया, इसका एलसीएम हो गया 6 हो जाएगा, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, है ना। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो गया आपका 4/6, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ये 2 से कैंसिल होगा, सो 7 2/3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। या फिर चाहो तो यहाँ पे देखोगे ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे, उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो यही आंसर आने वाला है, क्लियर है। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।